मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज हम अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं। 18 दिन की इस यात्रा में हम अंतिम दिन में पहुंच गए हैं, 18वें दिन में। और आज का चैप्टर है मोक्ष संन्यास योग। तो भगवान ने बहुत सारा हमको ज्ञान दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया, जिसके द्वारा हम लोग भी लाभान्वित हुए। और अब अंत में भगवान उसको कंक्लूड करेंगे, है ना, संन्यास योग में। तो ये हमारा ज्ञान योग आज खत्म होके और कंक्लूड कर देंगे भगवान। तो कल हम लोगों ने देखा कि श्रद्धा के विभाग देखे हमने, उसमें क्या क्या खास बात देखी आपने, श्रद्धा किस तरह से हो सकती है। श्रद्धा का विभाग किस तरह से किया गया, भी बताना चाहेंगे। हरे कृष्ण। श्रद्धा के विभाग जो थे भगवान ने अलग 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 करे थे, तो किसके हिसाब से करे थे, श्रद्धा किसके ऊपर डिपेंड करती हरे कृष्ण प्रभु जी, है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। संसार प्रभु जी, श्रद्धा 3 प्रकार से विभाग किया भगवान ने, सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी के हिसाब से। हरे हाँ, गुणों के हिसाब से श्रद्धा के विभाग किए गए। धन्यवाद माता जी। तो इस तरह से भगवान ने हमको सब बताया। और उसके बाद यज्ञ दान और तप को भी, कि गुणों के हिसाब से किस तरह के जो है यज्ञ लोग करते हैं या दान करते हैं या तप करते हैं, उनको किस तरह से हम गुणों से के हिसाब से विभाग किया गया, ठीक है, तो भगवान ने बताया। और अंत में भगवान ने बोला कि जो भी दान या रूप के में जो भी किया जाता है वह नश्वर है ना। ओम तत्सत करके भगवान ने बताया, है ना। तो बिना श्रद्धा के अगर यज्ञ दान या तप करते हैं वो सब नश्वर होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो भी करो मुझे समर्पित करते हुए करो, है ना, श्रद्धा के साथ करो और मुझे समर्पित करते हुए करो, तो तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो इसी को आप कंटिन्यूशन में भगवान जो है इन तीनों के बारे में और बताएंगे, यज्ञ दान और तप के बारे में इस संन्यास योग में। अर्जुन उवाच, संन्यास्यस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। है, अब अर्जुन जो है त्याग और संन्यास के बीच में फर्क, यानी ये पहले भी भगवान ने समझाया था कि त्याग क्या होता है और संन्यास क्या होता है, अर्जुन ने उस टाइम भी पूछा था। तो इस चैप्टर में मोस्टली इसको कंक्लूड करेंगे भगवान, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको पिछली भी रिपीट होंगी, है ना, तो कुछ शॉर्ट 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 में रिपीट होंगी। तो मैं त्याग और भगवान, वो त्याग और संन्यास का उद्देश्य जानना चाहता है ना। त्याग क्या होता है, जैसे हमने कुछ हमारे पास है ना, उसको हमने छोड़ दिया तो वो त्याग, एक सिंपल अगर उसमें भाषा में हम समझें तो त्याग मतलब हमने हमने हमारे पास कोई चीज है या हम ऐसी कोई हमारी आदत है या हमारी कोई ऐसी हैबिट है जिसको हम छोड़ देते हैं, तो वो त्याग हो जाता है। और जो संन्यास है वो उसके अंदर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, है ना, हर चीज भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं कुछ भी काम, तो वो संन्यास हो जाता है, ठीक है। आपको दिखेगा कि ये नॉर्मल काम हो रहा है ना, लेकिन उसके उसकी मन स्थिति ऐसी होती है कि वो उसको त्याग देता है। तो त्याग आश्रम संन्यास के अंदर संन्यास आश्रम भी, है ना, त्यागमय जीवन बोला गया है, तो त्यागमय जीवन यही है ना। इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ के और
घर बार सब छोड़ के आप चले जाएं, है ना। त्याग में मतलब अपने अपने जो कर्मों को आप भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो त्याग में जीवन हो जाता है। फिर आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं ना, जिसको अकर्म बोला था हमने, कि भगवान के लिए ही कर्म करते हैं। तो इसलिए उसके लिए जरूरी नहीं कि आप घर छोड़ दें। घर में रहते हुए आप अगर अपने कर्मों को, अपने कर्म के फलों को त्याग देते हैं तो वो संन्यास हो जाता है ना। और अर्जुन इन दोनों में उद्देश्य जानना चाह रहे हैं, त्याग में जीवन का उद्देश्य, तब वो भूमिका बांधी है कि ये किस तरह से संन्यास आश्रम को हम समझ सकते हैं। श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणाः। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें बता दिए, विद्वान लोग क्या कह रहे हैं और बुद्धिमान लोग क्या कह रहे हैं। ये भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं ना। भौतिक इच्छा पर आधारित मतलब उसमें सकाम कर्म बेसिकली है, जो सकाम कर्म के परित्याग को वो विद्वान लोग जो कहते हैं वो संन्यास है ना। जिसने कर्म ही छोड़ दिया है वो विद्वान लोग उसको संन्यास कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जो कर्म के फलों को त्याग को त्याग कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बुद्धिमान मतलब जो ये जानते हैं कि जो भगवान को की खुशी के लिए अगर हम करेंगे तो वही कर्म है एक्चुअली। समस्त कर्मों के फली त्याग को भी और फल के त्याग को को त्यागते हैं, है ना, बुद्धिमान लोग उसको त्याग कहते हैं। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस बताया। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीजें बताई गई। कुछ लोग बोलते हैं कि कर्मों को, सकाम कर्मों को, क्योंकि वो दोषपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो आपको बांध रहे हैं ना, इस बद्ध जीवन में हम बने हमारे सकाम कर्मों की वजह से, उसके सुख और दुख को भोग रहे हैं हम लोग, है ना। और फिर सकाम कर्म करेंगे फिर सुख और दुख को भोगने के लिए फिर जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा, तो इसीलिए उसको दोषपूर्ण कहा गया। सकाम कर्म को दोषपूर्ण समझ कर त्याग देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ऐसा नहीं सब कुछ त्याग दिया, यज्ञ दान तथा तपस्या कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। और भगवान ने पिछले चैप्टर में बताया कि इनको करते हुए और हरिओम तत्सत, है ना, इसको मुझे समर्पित कर दो, अर्पित करते हुए करो ये सब, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए, भले ही आपकी स्थिति कैसी भी हो, है ना, कभी नहीं त्यागनी चाहिए। यज्ञ जैसे यज्ञ है, यज्ञ क्या हुआ, यज्ञ हमने चक्र पढ़ा था, एक यज्ञ चक्र पढ़ा था जिसमें भगवान ने बताया था कि जो जो भी आप नियत कर्म करते हो वो यज्ञ है ना। हमारे कर्म जो है यज्ञ है, तो उसको हम जो है हमको उसको त्यागना नहीं है, लेकिन उसको अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है ना। हमारे कर्मों को हम अर्पित कर देते हैं, उसके कर्म फलों को हम अर्पित कर देते हैं तो यज्ञ हो जाता है। और यज्ञ कलयुग के लिए यज्ञ बताया गया है कि जो भी हरि नाम कीर्तन है वो कलयुग का यज्ञ है। ठीक है ना, तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं उसको, वो कलयुग का यज्ञ है। इसी तरह दान है, तो दान में आपके आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और फिर भी आप दान करना चाहते हैं तो ज्ञान का दान कीजिए, है ना, लोगों को बताइए, प्रचार कीजिए, भगवान के बारे में बताइए, भगवद गीता के बारे में बताइए। अब तो काफी आपको आइडिया हो गया है ना, उनको उनके उनके जीवन की परेशानियां आपको दिखने लग जाएंगी, है ना, तो आप उनके वो दान होता है, इस तरह का आप दान, ज्ञान को भी बांटना दान होता है। तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, जो भी तप कर्म तपस्या करते हैं आप, तप करते हैं, शारीरिक तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, तीन तीन चीज तपस्याएं बताई भगवान ने, है ना, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कल, तो उनके कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये तो इसमें तो कोई आपको अलग से, आपकी कैसी भी स्थिति हो आप ये कर सकते हैं ना, मन की तपस्या आप कर सकते हैं, तन की तपस्या कर सकते हैं, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या कर सकते हैं, कभी ऐसा ना बोले, है ना, किसी को जो शुभ करे ऐसा वाक्य ना बोले, है ना, कर्णप्रिय हो और कम बोले, और जहाँ बोलना है वो ज्ञान के बारे में बोलना है तो वही बोले। तो इस तरह से तपस्या कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम।
यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये आपको शुद्ध बनाएंगे, क्योंकि एक तो आपको उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, है ना, तो आपको बहुत सुख महसूस होता है ना, आंतरिक सुख महसूस होता है जब भी आप कुछ इस तरह के काम करते हैं ना, यज्ञ करेंगे या दान देंगे या तपस्या करेंगे, तो आपको सुख का अनुभव होगा। तो ये इससे क्या होगा, शुद्ध हो रहे हैं। सुख तभी मिलेगा जब आपके अंदर आंतरिक शुद्धता होगी, है ना, ये 100% है। तो जब तक हम अंदर से शुद्ध नहीं होंगे, हमें सुख महसूस नहीं होगा, ठीक है। हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष ये सब भरा रहेगा, तो हमें सुख नहीं मिल सकता, हमारा दिमाग फिर उन्हीं चीजों में लगा रहेगा। तो इसीलिए उन सब, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो वो चीजें हम लोगों के लिए फिर सेकेंडरी हो जाती है ना, वो धीरे धीरे विरक्ति आ जाती है उससे, तो हमारे अंदर शुद्धता आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है, ठीक है। तो इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए, ठीक है, और कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाए, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो किसी की हेल्प करते हैं आप, तो ये आपका कर्तव्य है, लेकिन उससे फल की आशा मत रखिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसक्ति मत रखिए, नहीं तो फिर आप बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए अपने मन के अंदर, ये धीरे 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 सोच, है ना, इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत इसी को बोलते हैं, कि जब हमारे हमारी चेतना के अंदर ये सोच आ जाती है ना, ये सब जितने भी भगवान बता रहे हैं, तो हम जो है कॉन्शियसनेस में प्रगति कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रमिक विकास करते हैं। तो हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम मुझसे इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं, है ना। तो कोई कहता है कि ये मैंने किया है ना, तो वो सिर्फ उसी का उसमें जो है योगदान नहीं होता, इन पांच चीजें उसको संपन्न करने के लिए होती है। क्या क्या है उसमें, एक तो कर्म का स्थान है ना, जहाँ कर्म हो रहा है, दूसरा कर्ता, ठीक है, उसी तरह उसकी विभिन्न जो इंद्रियां हैं वो उसमें लगी होती है, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिया, वो सब लगी है ना। कर्ता स्वयं है, एक तो कर्म का स्थान हो गया, कर्ता स्वयं हो गया, और उसकी इंद्रियां हो गई, और फिर जो चेष्टाएं कर रहा है, प्रयास कर रहा है ना वो, और अंत में परमात्मा, है ना। परमात्मा की अगर उसमें मर्जी नहीं हुई, तो ये पांच कर्म के ये कर्म पूरा नहीं होता है ना। तो इसीलिए इन पांच, ये पांच कर्म के कारण जिससे वो कर्म करता है। क्षेत्र हो गया, है ना, क्षेत्र कर्म का स्थान हो गया, और फिर कर्ता हो गया जो वहां पे काम करते हैं, है ना, भौतिक जीवन में जो काम हो रहे हैं उसके बारे में ये बात हो रही है, फिर जो प्रयास करते हैं अलग अलग, है ना, चेष्टाएं करते हैं, फिर परमात्मा। तो ये पांच कर्म के कारण, ठीक है। अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो उसको बुद्धिमान नहीं माने, कुछ जो जो आदमी मैं करता है ना, आपने देखा होगा, तो वो ये मैंने किया मैंने किया, तो ये वो जो बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो आप देखेंगे भौतिक जगत में भी जो कल्चर होता है, वो अपने आप को जो है आगे बढ़ने के लिए वो ये उसको दिखाना पड़ता है, ये सब मैंने किया मैंने किया, ऐसा कल्चर ही सेटअप हो गया एक्चुअली। तो वो उनसे पूछा भी जाता है तुमने क्या किया, तो वो फिर बताता है मैंने ये किया, तो मैं उसको ये नहीं मालूम कि पांच कारण है उसके पीछे, है ना, ईश्वर भी है, वो कॉन्शियसनेस नहीं रहती। इसलिए जिसको कॉन्शियसनेस रहती है वो बहुत हम्बल होता है, वो ज्यादा नहीं करता है मैं, है ना। लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में जो प्रतिस्पर्धा होती है ना आगे बढ़ने की, तो उसके अंदर वो आप देखेंगे कि वो खुद का तो बताते ही बताता है, लेकिन दूसरे ने क्या नहीं किया वो भी बताता है, तो दूसरे का नुकसान करके भी आगे बढ़ते हैं ना, जैसे जिसको बोलते हैं कि टांग खींचना, है ना, लेकिन
जो कॉन्शियस होगा, आपने देखे होंगे कुछ बहुत सरल स्वभाव के लोग होते हैं जो ये नहीं करते हैं, तो वो उनके अंदर उनकी चेतना होती है कि ये जो है सब परमानेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए अहंकार और जो है आपको अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि परमात्मा के कारण हो रहा है, इसीलिए कभी होता है कभी नहीं होता है, तो वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, भगवान भी उसके अंदर एक कारण है। ज्ञान ये तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां अर्थात करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठन। तो ये जो हमारे जो ज्ञान है, मतलब जो हम, एक तो ज्ञान है कि हम समझ गए हैं कि हमारा, हम आत्मा है, ठीक है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है और परमेश्वर कौन है, ठीक है, तो ये ज्ञान हो गया। तो और इसको, और एक ये है जो भगवान है परमेश्वर, जो जानने योग्य है ना, और एक है ज्ञाता, जो हमने देखा था दो तरह के ज्ञातों ज्ञाता है, एक तो मैं जो मैं इस शरीर के बारे में जानता हूँ, और एक ज्ञाता है जो परमात्मा है जो सबके शरीर के बारे में जानता है ना, तो ये कर्म को प्रेरणा देने वाले। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं, अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। अब ज्ञान कर्म और कर्ता के भेदों के बारे में भगवान बता रहे हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जान, है ना। तो ये हमने देखा था कि किस तरह से हम संभाव रह सकते हैं, किस तरह से हम आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं, जब हम किसी भी शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा की को देखते हैं, तो यह आध्यात्मिक दृष्टि है ना, इसको देखते हैं। बाहर से देखेंगे तो वो भौतिक दृष्टि है हमारी। तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक, ठीक है, विभक्त भी है और अविभक्त भी है ना, क्योंकि अनेक रूपों में विभक्त है वो। अविभक्त इसलिए है क्योंकि वो अंश एक ही है परमात्मा का है, इसलिए अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति है। तो इसको जब हम इस तरह से देखने लग जाते हैं तो ये सात्विक होता है, ठीक है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो, और कोई शरीर के हिसाब से जो शरीर को देख के काम कर रहा है वो राजसी है, उसको आध्यात्मिक प्रकृति दिखती नहीं है, तो वो अलग अलग शरीर दिखता है उसको। वो जो भगवान ने कहा था कि जो जो हाथी कुत्ता चांडाल वो एक समान देखता है ना, और कंकड़ पत्थर और सोने को एक समान देखता है, तो ये है, इसको जब भिन्न भिन्न देखता है तो वो राजसी हो जाता है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर, सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। जो जो मूर्ख है ना, जो सत्य को जानता नहीं है ना अपने को, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर, वो किसी एक चीज में वो उसको उसका ध्यान लग जाता है, और वो कुछ नहीं समझता कि भगवान क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो वो और उसमें लिप्त हो जाता है। लिप्त हो जाता है मतलब उसको एडिक्ट हो जाता है उसमें, और वो इस तरह से वो तामसी कहा जाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो अब क्रियाओं के बारे में, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म है, रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह की ये कर्म की तीन क्रियाएं हुई, सात्विक, राजसी और तामसी। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता। अब कर्ता के बारे में, पहले भगवान ने कर्म बताया, अब कर्ता के बारे में बता रहे हैं। जो कर्ता मतलब जो कर्म करता है ना, जैसे हम हैं तो हम कर्ता हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह अपना पूर्वक अपना कर्म करता है, वह और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता है। उसको सात्विक बोलते हैं जिसको अटैचमेंट नहीं है और फर्क नहीं पड़ता, ठीक है,
हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है ना, हो गया तब भी खुश है कि भगवान की मर्जी है इसमें, जो मुझे मिलना था मिल गया है, नहीं मिला तो भी खुश है संतुष्ट है कि ठीक है भगवान की मर्जी है, फिर प्रयास करता है ना, तो वो अविचलित नहीं होता है, अपनी असफलता में अविचलित नहीं होता है। इसीलिए हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है, तो जब हम इस भाव से कि भगवान ने ये कहा था, हमने भगवद गीता में पढ़ी थी, तो ठीक है जो हो रहा है ना, ये जीवन हमारा जो है ये चल रहा है, हमारे कर्मों के हिसाब से हम भोग रहे हैं इसको, ठीक है, लेकिन प्रयास जब हम करते हैं कि हमें इस भवबंधन से मुक्त होना है ना, तो हमारा प्रयास वो रहता है एक्चुअली सात्विक कर्ता में, है ना, तो हम ये सोचकर वो काम करते हैं। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता है, तो ये जो है रजोगुणी होता है ना, जो जिसको फल से अटैचमेंट होता है, लालच होता है, ईर्ष्यालु होता है, अपवित्र होता है, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है ना, वो बिल्कुल ही नास्तिक प्रवृत्ति होती है उसकी, उसको लगता है कि ये सब जो है अपने आप हो रहा है ना, भौतिकवादी होता है वो, है ना, कपटी होता है, किसी को भी छल सकता है वो, अभी आप अगर जरा सा भी ध्यान नहीं देगा तो कोई भी आपके साथ कपट कर सकता है ना, अन्यों का अपमान करने में पटु होता है, जब भी मौका मिलेगा उसको वो आपका अपमान कर देगा, तो इसीलिए वो पटु होता है उसमें, तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री होता है, उसको कोई काम दिया जाए तो वो घंटों में करेगा या दिनों में करेगा, तो वो ये सब जो है तमोगुणी करता है, ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, गुण पढ़े थे जो, है ना, तो दीर्घ सूत्री होता है तमोगुणी। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा, इसे सुनो, है ना, धृति के बारे में बताएंगे, बुद्धि तथा धृति, ठीक है, डिटर्मिनेशन। हे प्रतापपुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है, तो कर्म हो गया, कर्ता हो गया, अब बुद्धि और धृति, है ना, डिटर्मिनेशन। हे प्रतापपुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है ना, तो सतोगुणी व्यक्ति को केयरफुल रहता है, उसको पता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है, तो ये उसको ज्ञान होता है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करनी तथा करनी कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी, तो राजसी व्यक्ति जो है वो भोग करता है अपना, है ना, कर्म करेगा भोग करेगा, कर्म करेगा भोग करेगा, और इसी तरह बंधन में बंधा रहता है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है, तो उसको पता ही नहीं, अंधकार में वो पूरा ज्ञान में ही है, उसकी बुद्धि तो है ही नहीं एक्चुअली, है ना, तो वो सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है ना, जो अधर्म कर रहा है उसको समझता है ये मेरा धर्म है, ठीक है ना, तो कई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे जो वो इसी को धर्म ही मानते, ये हमारे धर्म है, और वह तामसी है। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के निर्धारण है। धृति, हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतर के साधन और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करता है, वह सात्विक तरीके में है। तो जो निश्चय हम करते हैं या डिटर्मिनेशन करते हैं, जो हमारी धृति है, वो अगर हम नियंत्रित करते हैं योग साधना द्वारा, निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करता है, मन भी कंट्रोल है उसका, इंद्रियां भी कंट्रोल है, तो ये सात्विक है, डिटर्मिनेशन है, संकल्प। लेकिन हे अर्जुन, जिस धरती से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है ना, तो ऐसा धरती जो है धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहे, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धरती निश्चय, जो धरती स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धरती तामसी है, तो वो उसका जो डिटर्मिनेशन या जो निश्चय है करता है, वो दुर्बुद्धि पूर्ण ही होती है,
बुद्धि से तो सोच ही नहीं सकता है वो, तो इसलिए वो तामसी होती है। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां, तो कर्म, कर्ता और फिर धृति है ना, और एक क्या बताया भगवान ने, बुद्धि, बुद्धि के पहले श्रमिक, तीन प्रकार के श्रमिक होते हैं ना, कर्ता और उसके बाद बुद्धि और उसके बाद धृति, तो ये चार चीजें। अब भगवान बता रहे हैं तीन प्रकार की खुशियां, भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां होती है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वो सात्विक सुख कहलाता है ना। पहले शुरू में वो विष जैसा लगता है ना, वो आपको बहुत तकलीफ होगी कि भाई आप जो है तपस्या कर, तप कर लो, आप जो है मानसिक तप कर लो या शारीरिक तप कर लो, वाणी का तप कर लो, तो बड़ा तकलीफ होती है ना वो विष के समान। जब विष जो कड़वी चीज आप कुछ पीते हो तो तकलीफ होती है ना, तो उस तरह से लगता है ना, जब आपको बोलेंगे जब कर लो, जब में मन ही नहीं लगता है ना, लेकिन धीरे 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 आप जब देखेंगे कि उससे आपको फिर आसक्ति हो जाती है ना, जब आप जिस दिन जप नहीं करेंगे आपको कुछ अजीब सा लगेगा है ना, तो ये सात्विक सुख कहलाता है ना, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार को जगाता है, मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। इसीलिए जो शुरू में, इसी तरह आप देखें कोई कोई व्यक्ति आप जो थोड़ा कड़वा बोलता है, स्पष्ट जिसको बोलता है कड़वा मतलब स्पष्ट बोलता है, आपको लग सकता है, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए सही हो, है ना, आपके जैसे माता पिता हैं आपको ज्ञान जो है बोलते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन वो आपके लिए सही है, आपको बुरा लगता है लेकिन वो आपके जीवन के लिए सही हो सकते हैं। तो इसी तरह जब हम बहुत इसमें भक्ति में हम जब आगे लगते हैं तो कुछ चीजें हमको विष जैसी लगती हैं, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए वो जरूरी होती है, और लेकिन अंत में उससे सुख ही मिलता है, धीरे 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 आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो कुछ कई बार आप देखेंगे कि आपको कोई चीज आप करते हैं और उसके बाद आपको बड़ा गिल्ट फीलिंग होती है, तो वो विष तुल्य होता है। कोई आपने मान लीजिए कुछ ऐसा ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बहुत आनंद आता है ना, जैसे कि आप मान लीजिए कोई ड्रिंक करता है, तो उसको ड्रिंक उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो नेक्स्ट डे उसको जो है वो पूरा दिन उसका जो है जिसको बोलते हैं आप एसिड डल सा रहता है ना, उसमें उत्साह नहीं होता है ना, उत्साह नहीं होता है, जबकि आपको सात्विक सुख में हमेशा उत्साह बढ़ते जाता है ना, लेकिन जो राज्य रजोगुणी जो सुख हम चाहते हैं, या कुछ हम लोगों ने ऐसा कुछ बहुत अच्छा पकवान बनाया उसको खा लिया फिर बाद में उससे तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो इस तरह होता है। इसी तरह जीवन के अंदर कुछ आदतें हम लोग तो एडिक्शन हो जाता है ना, उससे हमको जो है टेम्प्रेरी सुख मिलता है, नशा करता है जो, तो लेकिन वो बाद में अंत में उसका जीवन भी खराब होता है, वो तो वो विष तुल्य हो जाता है बाद में, अंत में विष तुल्य होता है, शुरू में उसको लगता है कि बहुत आनंद है इसमें, लेकिन वो विष तुल्य होते हैं, ठीक है, इसको रजोगुणी बोलते हैं। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मुखारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वो तामसी कहलाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि मोह, इद्रा, निद्रा आलस्य और मोह जो है ये तामसी गुण है, ये हमने पढ़ा था। तो इससे क्या होता है, ये आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा हो जाता है, भगवान जो करते हैं इसका ज्ञान को भी आच्छादित कर देते हैं, और ये देख भी नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत है, और ये भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं अधम योनियों में डालता हूँ। प्रकृति के गुणों के आधार पर चार प्रकार के आश्रम होते हैं, अब आश्रम आ गया है, क्षमो दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शांति प्रियता आत्मसंयम तपस्यता पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं, ये ब्राह्मण के गुण बताए गए जो ब्राह्मणों के अंदर स्वाभाविक गुण है। तो ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण हमने देखा कि जन्म से इंसान ब्राह्मण ही होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है, तो जिन जिन भी व्यक्तियों में ये गुण होते हैं वो ब्राह्मण, वो भले ही उनका जन्म कहीं भी हुआ हो है ना, ब्राह्मण परिवार में नहीं भी हुआ है, लेकिन उनमें अगर ये गुण है ना, शांति प्रीता आत्मसंयम तपस्याता पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता, तो ये वो ब्राह्मण है। धार्मिकता मतलब जो धर्म का पालन करता है, तो धर्म वो नहीं जो इंसान ने बनाया है ना,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं। धर्म जो है जो शास्त्र में बताए गए हैं ना, धर्म वो है, उसके हिसाब से जो धार्मिकता है अगर उसमें, तो वो ब्राह्मण। शौर्यम तेजो दधिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियो के स्वाभाविक होते हैं। तो क्षत्रियो का जो है कर्तव्य है कि वो युद्ध करते हैं, रक्षा रक्षा करते हैं, जो बाकी प्राणी हैं उनकी रक्षा के लिए क्षत्रिय, तो उनके अंदर ये होना जरूरी है, वीरता शक्ति संकल्प दक्षता है ना, युद्ध में धैर्य धैर्य होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से रिएक्ट करें, है ना, युद्ध में धैर्य बहुत चाहिए, उदारता तथा आपको रिस्पॉन्ड करना है ना, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, सोच के और रिस्पॉन्ड करना है, उदारता और नेतृत्व, नेतृत्व में लीडरशिप होना चाहिए। तो ये सब क्षत्रियों के गुण है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों तथा कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो इसी तरह से उसके जो कर्मों को बताया गया है कि किस तरह से जो है वैश्य कृषि कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म। तो जो वैश्य है वो व्यापार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो गोरक्षा और कृषि भी करते हैं, और शूद्रों का कर्म जो है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। ये तो अभी कलयुग के अंदर तो सभी हम सब शूद्र हैं। शूद्र मतलब हम जो भी नौकरी करता है वो शूद्र है, ठीक है, क्योंकि हम श्रम कर रहे हैं, अन्यों की सेवा कर रहे हैं, तो ये सब शूद्र बनता है। तो लेकिन हम अपने कर्मों के हिसाब से अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र बना सकते हैं। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तं तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान ने सब चीजें बता दी। अब जो है भगवान कह रहे हैं कि है ना, भगवान की उपासना करके जो मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता, पूर्णता मतलब हमारा लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त करना, यह जो अंतिम लक्ष्य है भगवान का प्रेम, ईश्वर प्रेम अगर हमारे अंदर जाग जाए तो वो पूर्णता हमको प्राप्त हो सकती है ना। तो भगवान की उपासना जब हम करते हैं तो हम उस पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो वो अपने अपना कर्म करते हुए ना, ब्राह्मण है तो वो अपना कर्म करते हुए ये काम कर सकता है, भगवान की उपासना कैसे कर सकता है, ये सब हमने देखा है ना, भगवान को अर्पित करते हुए और भगवान की खुशी के लिए कोई काम कर रहा है। इसी तरह क्षत्रिय है जो उसका कर्तव्य है वो कर रहा है ना। लेकिन भगवान जो सेंटर में देखिए, भगवान को रख के सब अगर काम कर रहे हैं, है ना, इसी को कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। जब हम ये करते हैं तो हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने जो नियत काम कर रहे हैं वो यज्ञ रूप में करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं, तो हमें पूर्णता प्राप्त हो सकती है, ईश्वर प्रेम प्राप्त हो सकता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन आप्नोति किल्बिषम। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अगर आपका कोई वृत्ति पर कार्य है, जैसे आप ब्राह्मण है मान लीजिए, तो ब्राह्मण का कार्य है कि ज्ञान का, वेदों का अध्ययन करना और ज्ञान का प्रचार करना, है ना। तो अगर वो त्रुटिपूर्ण ढंग से भी कर रहे हैं तो वो किसी और के कार्य को स्वीकार करने से के अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो आजकल तो सब मिक्स हो गया है, तो उसमें क्योंकि कोई फर्क नहीं है ना। तो जब हम पैदा होते हैं, सभी सभी जो है कलयुग में बताया गया कि सभी शूद्र हैं। तो फिर हमारे जो स्वभाव है, हम स्वभाव के हिसाब से कोई कर्म लेते हैं तो वो वृत्ति पर कार्य होता है ना। तो उसको हम अपने त्रुटिपूर्ण ढंग से भी किया जाए, जो हमें अच्छा लगता है ना भौतिक जगत में हम जैसे बोलते हैं कि जिसके लिए हम जो है ना पैशनेट हैं, पैशन जिस जिसमें हमारा पैशन है उसको करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा स्वभाव होता है एक्चुअली, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको स्वभाव मिलता है। तो कोई अच्छा गा लेता है ना, तो वो तो अब उसको कर्मों के हिसाब से मिला है, ठीक है। तो कोई खेलता अच्छा है ना, कोई अच्छा क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है, तो ये उसका स्वभाव है उसको, है ना।
उसके हिसाब से वो कर्म करता है, लेकिन उसके उसको जो है फलों को जो अर्पित अगर करते हो सेंटर में, भगवान को सेंटर में रखते हुए अगर वो करता है तो पाप से प्रभावित नहीं होता। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है ना। आत्मसंयमी, अनासक्त, है ना, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है कि हमको आसक्त नहीं होना, अनासक्त रहना है ना। आत्मा आत्मसंयमी होना है ना, संयमी बनाना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए इंद्रिय विषयों को कंट्रोल करना है ना। उससे मन कंट्रोल होगा तो हम आत्मसंयमी होंगे, अनासक्त हो जाएंगे। और अनासक्त क्यों होंगे? क्योंकि हमको भगवान में जब हम हमारी आसक्ति होगी तो हम अपनी बाकी चीजों से अनासक्त हो जाएंगे, कर्म फलों से अनासक्त हो जाएंगे। जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है ना, उसको भोग नहीं करना है, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त, इसी को संन्यास कहते हैं। और वो कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था, सर्वोच्च सिद्ध अवस्था मतलब ईश्वर प्रेम प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ये भगवान ने पहले भी बताया था, है ना, कि परब्रह्म का अनुभव करता है, दिव्य पद पर स्थित होता है। परब्रह्म कब होता है? जब हम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, वहां पे हमको ब्रह्म की अनुभूति होती है, शुद्ध सत्व में आ जाते हैं। तो तीनों गुणों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो हम शुद्ध सत्व में आ जाते हैं और वहां हम परब्रह्म का अनुभव करते हैं, और वो हमारी पहली अनुभूति होती है भगवान की, है ना, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो उसमें पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, उसमें आनंद आ जाता है। तो इसलिए जब वो ऊपर उठ गया है, गुणातीत हो गया है, तो वो कभी शोक नहीं करता, किसी वस्तु की कामना नहीं करता है, सब जीवों के साथ संभाव रहता है और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भक्ति से ही जो है भक्ति को जो है लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, है ना, बहुत लाइटली लेते हैं। भौतिक जगत में आप भक्ति बोलोगे तो आप पे हंसेगा, है ना, लेकिन यही एक मार्ग है, वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है आप, है ना। जैसे किसी कंट्री का आपको वीसा चाहिए तो उस किसी कंट्री में जाना है तो उस कंट्री का आपको वीसा लेना पड़ेगा। इसी तरह भक्ति से ही वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है वो, और किसी कोई कोई तरीका नहीं है, है ना। तो भक्ति के अंदर हम जब आगे बढ़ते हैं, पूर्ण भाव मेरे पूर्ण भावना में होता है तो वैकुंठ जगत में। तो इसीलिए ये आंदोलन इसीलिए चला गया है कि ताकि इस भक्ति के मार्ग को भी लोग समझ सकें, जो कि यथा रूप में जाना जा सकता है मुझ भगवान को, क्योंकि भक्ति से ही भगवान कहते हैं मुझे समझ सकते हो। इसीलिए बार 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 कि तुम मेरे, अर्जुन को बोलते हैं भगवान, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हें मुझ में श्रद्धा रखते हो, ये सब बार बार इसीलिए बोलते हैं, तुम मेरे भक्त हो तो मैं इसीलिए तुम बता रहा हूँ। तो ये इस भावना भक्ति से पूर्ण भावना में होना चाहिए, तब हम वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्य मध्यपाशयः मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो जो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त है वो मेरे संरक्षण में, अब देखिए कितना बड़ा भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो मेरे द्वारा प्रोटेक्टेड है ना, मेरे संरक्षण में। जो शुद्ध भक्त होता है वो संरक्षण में होता है। आपने देखा होगा प्रभुपाद जब जा रहे थे यूएस, बड़ी मुश्किल से तो उन्हें इस स्थिति में पहुंचे थे कि वो जा पा रहे थे, है ना। उनको एक मालवाहक जहाज में एक जगह मिली, और उसके बाद रास्ते में उनको दो हार्ट अटैक आए, लेकिन उनको ये फीलिंग थी कि नहीं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं और कृष्ण जो है, ये जो शिव है, कृष्ण ने अब टेक ओवर कर लिया, वो चला रहे हैं, है ना। तो उन्हें वो संरक्षण में थे भगवान को, उनको इतना कॉन्फिडेंस था। इस लेवल की जो है हमारे को श्रद्धा और विश्वास भगवान पे होनी चाहिए, ये शुद्ध भक्त की लक्षण। तो ये धीरे 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 जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आपके अनुभव होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ होता है आत्म साक्षात्कार, ये धीरे धीरे अनुभूति आपको होती जाती है अंदर कि आपके साथ भगवान है,
है ना, कोई ऐसा आपको प्रोटेक्शन है आपके साथ, ये आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है धीरे धीरे। तो शुद्ध भक्त, फिर जब भक्त हो जाते, शुद्ध भक्ति आज में आ जाते हैं आप, तो पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा ना, भगवान है मेरे साथ, ऐसा सोच के जब आप करते हैं तो नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है भगवान के। तो भौतिक जगत में आपको लगेगा कि वो सब कार्यों में संलग्न है, लेकिन अंत उसकी जो अंतर स्थिति, मन स्थिति जो है वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न शोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो मिथ्या अहंकार नहीं रखना आपको, ठीक है, कि ये जो है मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन अगर भगवान को सेंटर में रख के भावना भावित हो गए, मुझसे भावना भावित हो गए, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओ, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो फिर तुम भगवान अर्जुन को कहेंगे कि तुम जो चाहो सो करो फिर, है ना। तो जैसा फिर कर्म करेगा वैसा इंसान फल पाएगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति धाम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं कि हम गुणों के अंदर आ जाते हैं और फिर उसमें घूमते रहते हैं, है ना। हमें लालच आ जाएगा, हमें ईर्ष्या होती है, तो ये सब गुणों के हिसाब से ना, कभी हम रजोगुण में हैं, कभी लगता है हम भगवान के मंदिर चले जाएं, है ना, पाँव पढ़ लें, और कभी हम भोगों के अंदर लग जाते हैं कि आज ये मूवी देख लेते हैं, आज यहाँ चले जाते हैं, ये शो में चले जाते हैं, है ना, भोग करना चाहते हैं। और कभी हम तमोगुणी भी हो जाते हैं, आलस्य हो जाते हैं, निद्रा में रहते हैं, है ना, आलस्य निद्रा ये सब में रहते हैं। तो इस तरह से जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, ये जो हमारा भौतिक, इसको यंत्र बोला गया है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं, आत्मा जो है उसके अंदर है, शरीर के अंदर, उसको जो है घुमा रहे हैं, माया से घुमा रहे हैं भगवान परमेश्वर जो है। इसीलिए छूट हमें, स्वतंत्रता दे दी गई है, हमें समझ में आता है सब चीजें, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या चाहते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, है ना। तो शरणागति बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, ये जगन्नाथ यात्रा में ये जो किंग होते थे, जो राजा थे, राजा होते थे, तो जब जगन्नाथ यात्रा होती थी तो उसके उसके रास्ते की जो कचरा है वो खुद साफ करते थे, है ना। तो शरण, इसको शरणागति बोलते हैं कि भगवान ही सब कुछ है ना, उनको पता है क्या शास्त्र के हिसाब से क्या सही है। तो वो ऐसा नहीं कि हम राजा हैं तो हम ये काम क्यों करेंगे, लेकिन ये भगवान की सेवा में जब हम काम करते हैं तो परम शांति और परम नित्य धाम को प्राप्त करते हैं, शरणागति बोलते हैं इसको ना, भगवान के जो शरणागति हो जाती है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्य गुह्यात गुह्यतरम मामया विमर्श विमर्शेतदशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जब तब जो चाहे सो करो। अब भगवान ने अर्जुन को बोल दिया, अब मैंने सब बता दिया है, अब तुमको जो करना है करो, ठीक है, छोड़ दिया। बोलते ना कभी कभी माँ बाप जो है परेशान हो जाते हैं बोल बोल के, तो ठीक है जो करना है सो करो, मैं कुछ नहीं बोलूँ, है ना, ऐसा बोलते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मैं। अब भगवान ने बोल दिया कि जो चाहे सो करो, उसके बाद भी फिर भगवान कह रहे हैं कि ये जो है सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, है ना। तो ये 63 श्लोका है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो चाहे सो करो, ठीक है। और ये 65th श्लोका है, तो 64th श्लोका में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि
चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुन। तो भगवान अब फिर से एक बार और उसको, अर्जुन को बोलते हैं कि क्योंकि तुम मेरे मित्र हो तो ये परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। और ऐसा नहीं कि ये भगवान ने बताया नहीं था, ये जो है ये रिपीट हो रहा है। ये श्लोका जो है, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु माँ मे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये कहाँ पढ़ा था हमने, कोई बता सकते हैं? एक नाइन्थ चैप्टर, चैप्टर 9th चैप्टर में, बिल्कुल सही। तो गुह्य ज्ञान, जब भगवान ने गुह्य ज्ञान बताया था तो उसके अंदर ये 9.34 लास्ट श्लोक था, उसमें बताया था कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, है ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं भगवान, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, पूजा। अगर मेरा, अगर आपका लक्ष्य मैं हूं तो ये सब करो। भगवान ये कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, है ना। भगवान वचन दे रहे हैं, भगवान का कमिटमेंट है, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, है ना। तो सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। तो इसको कई लोग गलत समझ लेते हैं कि सभी धर्मों को आप छोड़ दो। कोई मुसलमान है तो वो अपना धर्म छोड़ दे तो वो धर्म की बात नहीं हो रही है। ये धर्म जो है शास्त्रों द्वारा जो है ना धर्म है, ये उन सबको धर्म नहीं कहते हैं ना। वो तो एक कोई सेक्ट्स हैं सब, जो अपने अपने हिसाब से उसको जो पसंद आया वो करा, है ना। कुछ चल रहा है, किसी को कुछ पसंद नहीं आया, उसने अपना नया शुरू कर दिया, तो ये सब धर्म नहीं है, है ना। सभी प्रकार के धर्मों का मतलब, मैंने तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान दे दिया अभी तक, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन सब का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। क्योंकि वेदों का जो सब सार है, या सभी धर्मों का जो शास्त्रों में जो बताए गए चीजें हैं उसको हम धर्म बोलते हैं, उनका जो निचोड़ वो है कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं, है ना। हम भगवान के शरणागत हो जाएं। अजगर होता है, जैसे भागवतम में एक वर्णन आता है कि अजगर की तरह, अजगर जो होता है ना, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, और वो प्रयास भी नहीं करता अपने भोजन के लिए, कोई ना कोई उसके उसमें आ जाता है। तो भगवान जो है ऐसे जीवों का भी पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान की शरण में आ जाओ और फिर अपना कर्म करो, ये भगवान कह रहे हैं। और समस्त पापों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, है ना। कोई कहता है कि कौन से पाप होंगे, है ना। अर्जुन अर्जुन को कह रहे हैं कि समस्त पापों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, है ना। तो पाप मतलब, अगर तुम युद्ध भी करोगे और तुम मेरी शरणागत हो, युद्ध करोगे, तो अर्जुन ने कहा था कि ये पाप लगेगा। अर्जुन ने 5 कारण दिए थे युद्ध नहीं करने के, तो उसने कहा था कि ये तो जो है, ये तो पापी लोग करते हैं, ये बिना किसी कारण के जो मारना है इनको, तो इससे पाप लगेगा, है ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, क्योंकि जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे, है ना, तो तुम मेरी जो सही, जो भगवान चाहते हैं, भगवान की मर्जी से युद्ध हो रहा है ये, है ना, तो इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, है ना। भगवान की खुशी के लिए हम कर रहे हैं, हो रहा है ये काम, है ना। युद्ध कर, भगवान चाहते हैं कि युद्ध में सबका जो है अधर्म का नाश हो, तो इसीलिए ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो ये मैं भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना शुश्रूषवे पाच्यम न च माम योग अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बता जाए जो न तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, ये उनको ना बताया जाए जो संयमी नहीं है ना, और ना एक निष्ठ है, और ना भक्ति में है, और ना जो, और वह जो मुझसे द्वेष करता है ना। तो जो भगवान से द्वेष करता है उसको तो बताना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसमें संयम है ना, एक निष्ठ होके भक्ति कर सकता है, तो उसको बता सकते हैं। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि ये है कि नहीं है, तो इसलिए हम सबको बताएंगे, फिर उसका इंटरेस्ट के हिसाब से फिर हम उसको आगे बताएंगे, है ना। तो अभी जैसे आपने देखा कि 75 लोग हमारे साथ शुरू हुए थे, फर्स्ट डे में 75 लोग हुए थे। अब हम लोग कितने लोग रह गए, 38 लोग रह गए ना, 38 39 लोग रहते हैं। तो वो कुछ पहले दिन में ही लोग चले जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में ऐसा आता है ना, तो संयम ही नहीं है, है ना। अभी यहाँ तक 38 लोग 18 दिन तक सुन रहे हैं, तो संयम ही है, क्योंकि
एकनिष्ठ है ना, उनको भक्ति का बीज उनके अंदर भगवान ने बो दिया है ना, तभी तो सुन पा रहे हैं ना। 18 दिन तक कोई कौन सुनेगा, 1 घंटा सुबह 6 बजे उठ के, कुछ ना कुछ तो है ना, द्वेष नहीं है भगवान से, भगवान के बारे में सुनना चाह रहे हैं, तभी तो जुड़े हुए हम लोग हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे वो ये गान को उनको ना बताया जाए जो जिनमें ये क्वालिटी नहीं है ना, संयमी नहीं है, एकनिष्ठ है, भक्ति नहीं है, मुझे द्वेष करता, तो अपने आप ही अलग हो जाता। या इदं परमं भूय मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। तो प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने मूवमेंट चालू किया है ना, और अभी कल माता जी एक भजन गा रही थी कि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता है ना, जो गुरु महाराज ने गाया है, गुरु महाराज मतलब परम पूज्य जय प्रताप स्वामी महाराज है ना, तो वो तो बहुत कम उम्र में प्रभुपाद के साथ जुड़ गए थे, यूएस में, यूएस सिटीजन थे उस वक्त, यूएस में थे, और उनकी उम्र हार्डली मेरे ख्याल से 21 या 22 साल होगी जब प्रभुपाद से, प्रभुपाद के जितने भी सीनियर डिसाइपल्स हैं वो सब बहुत कम उम्र में प्रभुपाद के साथ जुड़ गए थे, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया उन्होंने, और 2 महीने के अंदर उन्होंने दीक्षा ले ली थी जो गुरु महाराज थे है ना। और उन्होंने जो माता जी ने जो भजन सुनाया वो रचना बंगाली लैंग्वेज में है, और जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं वो सब बंगाली उन्होंने लर्न की, जो मायापुर में आपको सीनियर डिवोटीज दिखेंगे, वृंदावन में सीनियर डिवोटीज दिखेंगे, तो वो उन्होंने बंगाली, क्योंकि बंगाली के अंदर कई शास्त्र जो थे बंगाली में थे और वहाँ पे वो रहते भी थे है ना। तो जो गुरु महाराज थे, गुरु महाराज बहुत कम उम्र के थे जब वो प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद का जो ऐसा अट्रैक्टिव ऑरा था कि जो भी उनसे मिलता था वो तुरंत है ना, तो वो इतना फैला कि कोई स्वामी जी आए हुए हैं जो जो परम आनंद के बारे में बता रहे हैं, या सेटिस्फेक्शन, या उस वक्त वो जो चाहते थे ना, क्योंकि यूएस के अंदर ये सब इतना भौतिक ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि जितना भी जो भी हम नियमों का बोलते हैं पालन करो वो सब वहां पर टूटते थे, वो तो मतलब नशे में होते थे, मांसाहार करते थे है ना, और अनैतिक संबंध बनाते थे है ना, जुआ खेलते थे तो है ना, ऐसे ऐसा वातावरण था। तो उसके अंदर उन्हें लगा कि ये जो व्यक्तित्व है ये कुछ हमें दे सकता है ना, तभी प्रभुपाद की तरफ वो अट्रैक्ट हुए। तो इसी तरह गुरु महाराज ने भी जब कुछ शिष्यों को देखा, प्रभुपाद को भी नहीं देखा, गुरु महाराज तो प्रभुपाद के शिष्य थे जो वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ कर रहे थे, उन्होंने जो जो वैष्णव जो उनका आचरण होता वैष्णव था, मतलब उन्होंने बाल्डेड हेड था, चोटी थी, तिलक था है ना, तो ये देख के वो उनके अंदर पता नहीं क्या हुआ गुरु महाराज को है ना, और वो भाग गए एकदम से वहां से। फिर थोड़ी देर बाद वो ढूंढते वापस आए तो वहां उनको वो मिले नहीं, भक्त चल जा चुके थे। फिर उन्होंने कहीं पे सुना कि ये जो कृष्णा मूवमेंट के लोग यहाँ पर हैं, और इस तरह से वो प्रभुपाद के संपर्क में आए, और फिर वो भक्ति में उनको बहुत आनंद आ गया। तो उनके पेरेंट्स ने उनको बोला कि ये सब मत करो है ना, हम तुमको जो है आइदर जो है आर्मी, अमेरिकन आर्मी ज्वाइन करने को उनको ऑफर था। तो फिर वो प्रभुपाद के पास आए कि इस तरह से मुझे परेशानी है, गुरु की शरण में गए। तो उन्होंने फिर प्रभुपाद ने कहा कि यू हैव टू चॉइसेस है ना, कि या तो अमेरिकन आर्मी ज्वाइन करो या फिर कृष्ण की आर्मी ज्वाइन करो है ना। तो फिर उन्होंने गुरु महाराज ने उनके आदेश पे, प्रभुपाद के आदेश पे कृष्ण आर्मी ज्वाइन की, आप छोड़ दो है ना, शरण में आ गए, और बहुत फास्ट फिर उन्होंने टेक ओवर किया। और फिर जब इंडिया में साथ में आए प्रभुपाद के साथ, तो उन्होंने मायापुर का पूरा गुरु महाराज को दे दिया कि नाउ किंगडम इज योअर्स है ना, यू हैंडल इट। तो फिर गुरु महाराज ने उसको धीरे 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 करके डेवलप किया। तो इस तरह प्रभुपाद का ये था, तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुआ अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो ये जो परम रहस्य है, तो प्रभुपाद ने ये आदेश दिया था उनके गुरु से है ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो थे है ना प्रभुपाद, उनसे उनका आदेश था कि इसको पाश्चात्य देश में, तो जब प्रभुपाद अपने गुरु से पहली बार मिले थे तो उनको लगा था कि ये, क्योंकि प्रभुपाद की इंग्लिश अच्छी थी तो किस लैंग्वेज में उनको कम्युनिकेट करेंगे, तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज थी, तो जिससे उन्हें लगा कि नहीं ये जो है व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित कर सकता है। तभी उन प्रभुपाद ऐसे नहीं कि जैसे ही बोला वो ऐसे चले गए ना, बहुत सालों तक के बाद गए वो, कम से कम उनको 30 साल लग गया,
और 70, क्योंकि 22 में प्रभुपाद से वो मिले थे, और 22 में वो अपने गुरु से मिले थे प्रभुपाद, और उसके बाद वो निकले हैं 65 में, जो उन्होंने यूएस गए हैं वो 65 में गए। तो आप बीच में देखिए कम से कम 38 ईयर्स का, 38 39 ईयर्स का गैप था, है ना। तो ऐसा नहीं प्रभुपाद यहाँ प्रयास बहुत किया, लेकिन उनके मन में बहुत इच्छा थी कि मैं अपने गुरु का, कि ने जो 2 बार उनको बोला था एक्चुअली कि इसको तो आप करिए, ये बोला था। और एक उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम ये इसका जो है प्रिंटिंग जरूर करना, शास्त्रों का जो भी है इसकी प्रिंटिंग शुरू करना। इसीलिए प्रभुपाद ने जो भक्ति वेदांत ट्रस्ट की स्थापना की वो भी उनके गुरु का आदेश था, है ना। तो वो प्रिंटिंग पूरे वर्ल्ड में जो है चलती है, इसको जो जो भी शास्त्रों की अध्ययन के लिए बुक्स प्रिंट होती है वो सब वहीं पर होती है, भक्ति वेदांत ट्रस्ट। तो ये दो जो है थे मुख्य आदेश थे प्रभुपाद को। तो इसीलिए वो इस परम रहस्य को बताने के लिए पूरी दुनिया में गए, और आज जो है यही में एकमात्र संस्था है जहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से जो है शास्त्रों के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ना। तो ये परम रहस्य जो बताता है तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगी। तो प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त, और उनके द्वारा हम सबको ये रहस्य जो ज्ञान है पता चल पा रहा है। और कितना ब्यूटीफुली उन्होंने, आप देखिए कि कल हमने देखा था श्लोक लिखे हैं हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में किया हुआ है, फिर उसको ब्रेकअप करके वर्ड्स के मीनिंग बताए गए, कितना मेहनत की प्रभुपाद ने, है ना। खुद ही करते थे, खुद ही प्रूफ रीडिंग के लिए लेके जाते थे, है ना, और खुद ही सब कुछ अकेले करते थे सब चीजें, पैसा भी खुद ही लगाते थे, कभी कभी वो स्पॉन्सर करा लेते थे, है ना। लेकिन इस तरह का शुद्ध भक्ति थी, क्योंकि विश्वास था उनको कि नहीं ये जो संदेश है ये परम हुई संदेश है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः कभविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी हो। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि वो सबसे मुझे प्रिय है जो लोगों को इस विषय में बताए, शुद्ध भक्त जो है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादं आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्ट स्याम इति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अगर हम पाठ भी कर रहे हैं मतलब वो पूजा है, तो भगवद गीता को हम जब पढ़ते हैं तो एक भगवान की पूजा है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है ना। तो भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं घोषित करता हूँ कि जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो मेरी अपनी बुद्धि से पूजा करता है ना। आपको पूजा में दिख नहीं रहा है कि आप कोई आपने कुछ दिया जलाया या फूल चढ़ा है, आप सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं, तो बुद्धि से आप पूजा करते। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणु यादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। जो और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, है ना। तो इसलिए श्रद्धा और द्वेष रहित होकर जो सुनता है, श्रवण से शुरू होती है भक्ति, है ना। श्रवण करना, आप लोग श्रवण कर रहे हैं सब लोग, तो भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है, द्वेष रहित होकर जो सुनता। अर्जुन वाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान प्रसादात्मा अन्याच्युत मयाच्युत त्वत्प्रसादान प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि अगतः संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया आपके अनुग्रह से, मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अब अर्जुन जो है वो शरणागत, पूरी तरह से शरणागत हो गया। पहला सेकंड चैप्टर में शरणागत हुआ था कि आप मेरे गुरु हैं, गुरु के रूप में आप जो मेरे लिए उचित है वो मुझे बताएं करके, है ना। अब अर्जुन पूरी तरह से शरणागत हो गया है, अब कि अब मेरा मोह दूर हो गया है, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए। तो कहाँ से देखिए, आप फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन जो था अपना धनुष बाण लेके बैठ गया था कि मैं ये होगा, इससे पाप लगेगा, इसमें आनंद नहीं है, है ये, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ठीक है, इसमें इसमें क्या आनंद है।
ना, अब वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि अब मैं दृढ़ हूं और संशय रहित हूं, है ना, मेरे अंदर कोई भी डाउट नहीं है, अब मैं आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। तो अब संजय अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, संजय अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, क्योंकि संजय को दिव्य नेत्र प्राप्त हुए थे व्यास जी के द्वारा और उसने उसने ये वार्ता सुनी और देखी, है ना। तो महान महापुरुषों की वार्ता, वो कह रहे कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना, और जब भी मैं इसका स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं, खुशी आ जाती संजय। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूति ध्रुवो अति मम नितिर्मति मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय कह रहा है कि जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, ऐश्वर्य विजय और अलौकिक शक्ति वहां पे निश्चित रूप से रहती है, नीति भी निश्चित, नीति मतलब जो धर्म आधारित काम होता है, नीति पूर्वक कार्य होता है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय ने अपना बता दिया। अब प्रभुपाद की जय। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण शी होगी, है ना। संजय ने भी कहा था, युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथों ही जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था, है ना। तो युधिष्ठिर ने संजय, क्योंकि जानता था, संजय ने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया था। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है, यही 18वें अध्याय का सार है। तो हमको जो है, हमको इस स्थिति तक पहुंचना है ना, शरणागति में हमको पहुंचना है। सिर्फ सोच से नहीं होगा, हमको अपने जो है प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करके अपने कर्मों में ऐसे परिवर्तन लाने होंगे ताकि हम भगवान के इस विधि को, अनुभूति की एक विधि है ज्ञान और ध्यान द्वारा, नहीं पहले तो ज्ञान है समझना पड़ेगा, उसके बाद हमारे कर्म होंगे, फिर हम ऐसे ऐसा ध्यान लगाएंगे, ध्यान से करेंगे सब कुछ। तो ये एक अनुभूति की विधि है जो कृष्ण की शरणागति की सर्वोच्च सिद्धि। भगवद गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई है, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। तो ये 5 जो विषय भगवान ने कवर किए पूरे, जिसमें भगवान के बारे में बताया, भौतिक प्रकृति क्या है ना, जीव क्या है, और शाश्वत टाइम बताया उसने, शाश्वत काल का समय के बारे में भी बताया था भगवान, और सभी प्रकार के कर्म, अलग अलग तरह के कर्म बताए थे। तो ये सब सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीवन जीव के मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा के एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उसका संसर्ग भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति से परे होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक तो जीव जो है अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, क्यों, है ना, हम लोग भगवान का अंश है, तो वो अंश शुद्ध है ना। हमारे दूषित क्या है, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये दूषित है। जो आत्मा हमेशा शुद्ध है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार के कारण, दूषित के कारण हमें जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में हम बंधे रहते हैं। वह परमात्मा एक परमाणु मात्र है ना। और चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, तो परमात्मा भी हमारे अंदर है, हम अणु आत्मा है ना, परमात्मा परमाणु के समान है। और चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था है ना, तीन तरह की अंतरंगा शक्ति,
बहिरंगा शक्ति, और हम जो जीव हैं वो तटस्था शक्ति है ना। तो बहिरंगा शक्ति माने जो बाहर जो भौतिक शक्ति भगवान ने दिखाई हमको, प्रकृति है, भौतिक जो भी दिखता है वो सब भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और जो भी लीलाएं होती हैं, अंतरंगा शक्ति मतलब आपको जो अंतरंगा मतलब जो आपको विश्वास ना है ना, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से करते हैं भगवान। और हम जो जीव हैं वो हम तटस्था शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक से परे होता है। ठीक है, कृष्ण जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक से परे होते हैं। और दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति है, अतः उसमें किंचित, तो इसलिए भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है हमको। इस स्वतंत्रता का उपयोग हम कैसे करें ये यहाँ पे बताया गया है कि सदुपयोग, सदुपयोग करेंगे तो हम कृष्ण के अंतर्गत प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी दशा को प्राप्त होता है, सामान्य दशा को प्राप्त होता है ना, सदुपयोग से। और सामान्य दशा क्या है हमारी, कि हम आत्मा है ना, हम सच्चिदानंद जो है उनके एक अंश हैं। तो हमारा जो स्वभाव है सच्चिदानंद है, वो हमारी सामान्य दशा है। लेकिन ये भौतिक कर्मों के भव बंधन में हम लोग उस दशा को प्राप्त नहीं कर पा रहे ना, जो सुप्त अवस्था में जिसकी चेतना को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सामान्य दशा है वो। तो इस तरह से ये भगवद गीता का ज्ञान समाप्त हुआ। कर्म से बंधन से मुक्ति बताया है, पांच कारण बताए हैं, और किस तरह से तीन जो है वो नियंत्रित करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि किस तरह से की जाती है, बाह्य मंच गोपनीय ज्ञान क्या है, शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में करना ये शुद्ध भक्ति है, और फिर यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ कृष्ण है वहाँ जीत निश्चित है। एक आप एक से तीन के आधार पर खुद को रेट करते हैं, आपके श्रेणी में आते हैं सबसे कम और तीन सबसे ऊंचा है। ये सेल्फ असेसमेंट अपने आप का कीजिए कि आप कितना, आपको आप कितना डाइजेस्ट कर पाए इस अध्ययन में, 18 दिन की इस यात्रा में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्तजनों की जय।